टाइम क्योंकि हो रहा है और अभी दुकान जो है हम बंद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये शटर हम बंद कर देते हैं, एक शटर होता है उसको बाद में आकर हम फिर खोल कर दोबारा दुकान ओपन करते हैं। माशाल्लाह, कल का वेदर और आज का आप देखें, माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। और नीचे रहे जी अपने खेत, कितना प्यारा मौसम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की सारी नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। कल का वेदर आपने देखा था और आज का वेदर आप देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है जी। व्यू चेक करें आप, रमज़ान का महीना और पता भी नहीं चला कितने दिन ऐसे ही गुजर गए इतने जल्दी। पहला अशरा कल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और ये दिन ऐसे गुजरे कि बस पता ही नहीं चला। तो रमज़ान में इतने ज़्यादा काम होते नहीं हैं क्योंकि रमज़ान जब आता है जो भी काम होते हैं वो ऐसे सिमट जाते हैं, बस इतना ज़्यादा काम होता नहीं है करने को। तो आज ही है अपने बच्चों का ही रिज़ल्ट, तो कल मैं उनको लेकर गया था स्कूल लेकिन का रिज़ल्ट नहीं था, तो आज रिज़ल्ट है, हमने फ़ोन करके पता किया था। तो अभी जी मैं बस गाड़ी निकालने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि बारिश लगी हुई है, तो बाइक पे छोड़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे भीगने का खतरा होता है। तो मैं यही सोच रहा था एक ही चक्कर में अपने बच्चे को छोड़ के आ जाऊँगा। और इसकी हालत फिर से गंदी हो गई हुई है, इसको फिर जब मौसम साफ़ होगा फिर से कि जो सर्विस करवानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी तो अपनी स्टार्ट हो चुकी है, जो रिक्वायरमेंट थी जी इसका इंजन ऑयल चेंज करवाने की उससे ज़्यादा ये चल चुकी है। मतलब कि इसका जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 28,000 तक, मतलब कि 27,900 ऑलमोस्ट 28,000 थी, ये 28,000 से ऊपर हो चुकी है 192 किलोमीटर। तो इतना ज़्यादा मैंने कभी नहीं लिया था, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट होती है उससे पहले मैं इस इंजन ऑयल चेंज करवा देता हूँ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं। तो अभी कुछ टाइम मिलता नहीं था कि मैं जाकर चेंज करवाऊँ, अभी तक टाइम नहीं मिल रहा। अभी रमज़ान शुरू हो गया तो अभी रोज़े चल रहे हैं, अब मुझे टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए, स्पेशली अपने सिटी जाना पड़ेगा। आज चूँकि बच्चों का रिज़ल्ट है तो जो रिज़ल्ट का टाइम है वो 9 बजे का था, तो अभी बस 9 होने में चंद ही मिनट बाकी हैं। सबसे पहले आज बच्चों को छोड़ूंगा क्योंकि उनका जाना ज़रूरी है, उसके बाद फिर अगली बात होगी क्योंकि बच्चे सुबह से शोर कर रहे हैं, चाचू जान हम लेट हो गए, चाचू जान हम लेट हो गए। तो वाकई वो मैं लेट हो रहे हैं मेरी वजह से क्योंकि मैं लेट उठा था। अपने बच्चे जी जा रहे हैं स्कूल, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं रिज़ल्ट को लेकर। एक टाइम होता था जी हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे अपना रिज़ल्ट जब नज़दीक आता था, तो अब वो टाइम तो नहीं रहा क्योंकि ये टाइम वो 8वीं तक जो क्लासें होती हैं ना, और उस टाइम तक बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, कॉलेज में फिर वो बात नहीं रहती। तो अभी अपने कार्टून कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब बारिश होती है जो विलेजेस का यही मसला होता है जी, कीचड़ हो जाता है। और अब बाइक्स वाले भाई हजरात यहाँ से एहतियात से गुजरे क्योंकि बाइक पे बंदा जब होता है तो ज़रा से भी गलती की वजह से मसला बन सकता है, बाइक उलट सकती है बिल्कुल आसानी से। रमज़ान में अपना मज़ार बिल्कुल सुनसान रहता है, मतलब कि कोई रश वगैरह नहीं होता, तो ऐसे ही अभी ज़्यादातर दुकानें बंद हैं क्योंकि होटल वगैरह रमज़ान में तो नहीं खुलते। ये देखें जी कीचड़ भाई साहब, विलेजेस में यही इशू होता है, बारिश जो ही होगी और कीचड़ कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। फ़ोन को मैंने डैशबोर्ड में फिट किया है कि यहाँ से वीडियो बन सकती है या नहीं बन सकती, मैं चेक कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि मेरे पास पहले फ़ोन होल्डर था तो अभी वो पास ही है लेकिन वो ख़राब हो गया है। गाड़ी का काम करवाने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम निकाल कर, स्पेशली गाड़ी का काम करवाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है जी इसका काम करवाने के लिए, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। अगर आप ये सोचें कि गाड़ी का काम करवाने जाएंगे और साथ कोई और भी काम करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस काम के लिए आपको एक दिन चाहिए होता है। अगर आप सुबह जाते हैं तो आप शाम को वापस आएँगे। कुछ ऐसा काम होते हैं गाड़ियों के, जिन भाई हजरात ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं उनको बेहतर पता होगा, मैं अपनी कैरी की बता सकता हूं कि कैसा काम होता है। इससे ज़्यादा जो आगे आप सोच सकते हैं कारें हैं, मतलब कि बड़ी गाड़ियां हैं, उनका काम ही ज़्यादा होता होगा। तो यही सोच रहा हूं कि कैसे टाइम निकाला जाए और कैसे काम कराया जाए जी, मुझे समझ नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया हुआ है
तो ऊपर से जब तक टाइम सही तरह से ना निकले तो काम ऐसे सही तरह से होता नहीं है। अभी जी बात होगी अपने ही कज़न भाई से, वो हो सकता है आज या कल जाएँ। वो भी मैकेनिक है, मतलब कि मोटर बाइक का वो काम करते हैं मैकेनिकली, तो वो कह रहे थे हो सकता है मैं जाऊँ। तो मैंने कहा अगर आप जाएँ तो काइंडली मेरे लिए इंजन ऑयल मेरी कैरी डब्बे का लेके आना। वो कह रहे थे जी ठीक है, अगर मुझे याद रहा या अगर मैं गया तो मैं लेके आऊँगा। तो अगर ये काम हो जाए तो फिर तो बात ही बन जाएगी, यहीं से तेल चेंज करवा लेंगे उन्हीं भाई साहब से जो मेरे कज़न हैं, वो भी काम करते हैं जी मोटर बाइक का भी और गाड़ियों का भी, तो अपना काम बन जाएगा जी। क्योंकि आज बारिश हो रही है रात से, तो ना ही चाचू जाने अपना माल बाहर निकाला है और ना जी हमने बाहर निकाला है। तो अभी मैं जाके दरवाज़ा खोलूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ दरवाज़ा खोलूँगा और अपना माल वैसे ही देखूँगा और अंदर ही रहने दूँगा। इसमें रहिम खुल गया। मैं अभी जी वापस लेने के लिए गया हुआ था जी, बच्चों को रिज़ल्ट हो चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे पास हो चुके हैं जी और पोजीशन में भी आए हैं। हमें उम्मीद थी कि बच्चे पोजीशन में आएंगे जैसा कि उन मेहनत की हुई थी बच्चों ने, तो अपने कार्टून भी पास हो चुके हैं, वो भी पोजीशन में आए हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मुझे अपना टाइम याद आ गया जब हम पास बात करते थे और ऐसे ही ट्रॉफी लेकर आया करते थे और स्कूल से निकलते तो एक बात ध्यान में होती थी कि बस घर चल के ना पैसे लेने, पास होने के पैसे लेने। तो है वो टाइम याद आ गया मुझे, अपने बच्चे भी पास हो गए हुए हैं जी, अपने कार्टून भी पास हो गए, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात है अल्लाह ताला की रहमत हो रही है। आज जी जुम्मा मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और ये रमज़ान मुबारक में दूसरा जुम्मा है, तो आगे दो जुमे मेरे ख्याल में और आएँगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत ही मज़े की बात है कि बारिश हो रही है और रोज़ा बहुत ही मज़े से जा रहा है। अभी मैं लेट गया हुआ था, मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने चद्दर ले ली हुई है। यूँ ही लेटा तो मुझे कॉल आया कि भाई साहब आप जाकर बच्चों को ले आएँ, रिज़ल्ट हो चुका है। फिर मैं जाकर ले आया हूँ, अभी गाड़ी खड़ी की है, वापस चलते हैं जी घर। अभी 12 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो हमारे मस्जिद में जुमा वो 1:30 बजे होता है। अभी चलते हैं घर। मैं सोच रहा हूँ कि आधा पौना घंटा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सो जाता हूँ, उसके बाद उठकर फिर तैयारी कर लेंगे जुड़े की, क्योंकि ठंड में इजाफा हो चुका है जी अगेन। अस्सलामुअलैकुम। ओए अरशद की क्या कर रहे हो आप, खेल रहे हो? आप पास हो गए नहीं हुए? आप पास, आप ही पास हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या खेल रहे हो? आप ही पास हो गए। अच्छा, इसकी भी आप ही हैं, वो भी पास हो गई हैं, दूसरी अभी भी पास हो गई है, एक ने पहला नंबर लिया है और एक ने तीसरा नंबर लिया है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बात है। और उनको मिलेंगे पैसे और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप पास नहीं हुए। ओ मायूस होकर देखने लगी है। ये भाई टीपू की शहजादी है, बहुत तंग करती है, अभी कुछ ऐसे खेल रही है इनके साथ, पता नहीं ये क्या चीज़ है, फॉर्म वगैरह है। इधर कार्टून लगे हुए हैं, इधर ये भी खेल रही है, कार्टून भी देख रही है। अभी कुछ देर पहले आँख खुली है तो सुनते हैं, गर्मी में लगा गई है। भाईजान बाइक पर आएंगे और टाइम अभी बिल्कुल 1:30 हो रहे हैं। आपने लेना, अभी आप कह रहे थे बाबू लाएँ। अच्छा दीदी लाएँ, कितने प्यारे जूते हैं आपके, मुझे देंगी आप? चाचू को देंगी? मुझे नहीं देने, फिर चीज़ नहीं मिलेगी, चीज़ नहीं मिलेगी फिर, ठीक है? हाँ हाँ, बनेगी। ओके सदके सदके। अभी जी टाइम हो जाता है जी माल मवेशी खोलने का। आज हमारी जो रूटीन है वो चेंज हो गई हुई है, क्योंकि सुबह से हम सुबह खोलते हैं, लेकिन आज सुबह बारिश थी जिसकी वजह से हम माल मवेशी नहीं खोल सके। तो चाचू जान मेरा वेट कर रहे हैं, तो जुमा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर लिया है, अभी चलते हैं जी माल मवेशी को खोल कर। तो सबसे पहले करते हैं जी कपड़े चेंज, उसके बाद फिर चलेंगे यहीं करते हैं। कपड़े हो चुके हैं जी चेंज और टाइम यार 22 सेकंड लगी हुई है, जितना जल्दी कर रहा था उतना ही लेट हो गया। इस अंदर ना आवाज़ डबल वाली सी आती है कि यहाँ पे सामान वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट चारपाई है और चेयर्स हैं, इसलिए इसमें आवाज़ गुड़ी कर आती है। सदके ये कैप देने के लिए आई थी मेरी गुड़िया, ये मेरे साथ हर वक्त मेरे साथ होती है। मैंने आपको बताया ना, जो भी व्लॉग में बनाता हूँ उसको पता चलता है जब जन व्लॉग बना रहे जी। अच्छा ये बार बार कह रही है जी जूते इसे नए लिए तो उनकी तारीफ की जा रही है। आप चलो, आप चलो, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है? बाय 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 बाय, चलो चलो चलो। माशाल्लाह पानी का कलर चेक करें आप, गहरा हो गया है, ग्रीन हो गया है जी। और ये पानी का कलर नहीं है, इसके अंदर जो घास है उसका कलर सब्ज़ हो गया हुआ है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें
तो अगेन बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। ऊपर कुछ ऐसा मौसम हो गया हुआ है, थोड़ी देर पहले धूप थी, फिर बादल आए, फिर धूप आई, ऐसे आँख मिचौली लगी हुई थी, लेकिन अभी गहरे बादल छा चुके हैं। उम्मीद है बारिश होगी, अच्छी तरह से होगी। तो अभी चाचू जान वापस आ गए हैं, मैं माल मवेशी लेकर आ गया था। बारिश जी अच्छी बली शुरू हो चुकी है। भागते हुए आना पड़ा, बकरियाँ हमारी उधर ही हैं, वो भी आ रही हैं पीछे। बहुत स्पीड लगा कर मैं यहाँ पे पहुँचा, सांस फूल रहा है मेरा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बारिश शुरू हो चुकी है। चाचू जाना भी पहुँचे मैं बड़ी स्पीड लाई माशाल्लाह कैसी बारिश हो रही है जी, अल्लाह ताला की रहमत। अपनी जी दूरबीन लेके गया था नीचे, देखूँ तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ इसका, थोड़ी सी गीली हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से बच गई है ठीक हो गया, बचत हो गई है माशाल्लाह जी। अपने कज़न आज पास हुए हैं, इधर 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 हो। अच्छा आदिल जी सातवीं जमात से तीसरी पोजीशन हासिल किया है, यही बात है। और इस हैदर ने भी सातवीं क्लास ने पूरे स्कूल से टॉप किया है। और कितने नंबर हुए आपके? 713। कितने टोटल कितने थे? 730। 730 में से जी 713 नंबर लेकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है अपनी क्लास और अपने स्कूल से माशाल्लाह। और ये दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ये पहले नंबर आया और ये तीसरे नंबर आया।